गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू चैनल। आज के एक नया ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है चीनू, तो मैं आज हाजिर हूँ यहाँ पे खंडगिरी केव में। यहाँ पे दो केव्स है, एक है उदयगिरी, एक है खंडगिरी। ये वाला जो आप रोड दिख रहे हो ना, नीचे वाला जो रोड आप दिख रहा है ना आपको, वो रोड से दो साइड में दो केव आपको मिलेगा। एक का तो है फ्री एंट्री, ये वाला जो हम जा रहे हैं ये है फ्री एंट्री। इसके ऑपोजिट में जो केव है उसके लिए आपका कुछ चार्जेस लेते हैं, पता तो नहीं है, जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने के लिए खंडगिरी और उदयगिरी दोनों केव्स घूमने के लिए, तो मेरे हिसाब से प्रिफरेबल टाइम यही रहेगा कि आप सुबह आइए, क्योंकि सुबह का टाइम, अगर आप गर्मी के सीजन में आ रहे हो तो सुबह का टाइम आपके लिए प्रिफरेबल होगा। रादर देन आप मिड डे में आते हो तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, हालत ख़राब हो जाएगा आपका। या तो आप इवनिंग में आइए या तो आप सुबह आ जाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ये गेट ओपन हो जाता है, आप 5:30-6 बजे तक आ सकते हो यहाँ पे। इवन आपको सनराइज़ भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आज का क्लाइमेट कुछ ऐसा, हम भी आए थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन क्लाउडी क्लाइमेट होने के चलते हमें सनराइज़ तो देखने के लिए नहीं मिला, मगर ओवरऑल व्यू बहुत बढ़िया है। चलते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। देखिए जी, बहुत पुरातन गुफा है ये। इस तरफ एक मंदिर है, इस तरफ एक रास्ता गया नीचे तक, शायद वहां पे कोई पंडित जी रह रहे होंगे। ये वाला देखिए जी, इतना बड़ा और पुराना चट्टान आपको शायद भुवनेश्वर में कहीं देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए जो कलाकृति है, वो बहुत पहले से बनाया गया कलाकृति है। ये वाला देखिए जी, बहुत पुरातन का उस पत्थर का दीवार है, बहुत सारा कलाकृति इसके अंदर छुपा हुआ है। कुछ तो अभी हमें दिख भी रहा है और कुछ शायद इसके अंदर और कुछ होगा जो कि हमें नहीं पता होगा। ये है इंडिया की रियल हिस्ट्री। अगर आप भुवनेश्वर में हैं जरूर आराम पे आके घूम के जा सकते हो। अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी की तो बात ही मत करिए। ये देखिए जी, पूरा सुबह सुबह अभी कोई भी नहीं है, डर तो थोड़ा बहुत लग ही रहा है। ये देखिए जी, पूरा पूरा का पूरा सीन। मैं भी ऊपर जाने के लिए कहीं रास्ता होगा तो देखते हैं फिर। इस तरफ जितने भी सारा गुम्फा देख रहे हो ना, बहुत पुराना गुम्फा है। यहाँ पे माना जाता है कि इस तरफ जो खंडगिरी वाला पहाड़ है, इस तरफ 14 और उस तरफ 18 गुफाएं हैं। एक एक करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला देखिए जी, नीचे से लेके ऊपर तक, कहते थे कि बहुत पुराने टाइम में यहाँ पे मुनि ऋषि अपना तपस्या किया करता था। पानी वो तो लाना मत भूलिएगा भाई, बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, लेकिन ये वाला चीज़ सही नहीं है। आप पानी पियोगे यहाँ पे, प्लास्टिक फेंक के जाओगे, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। कहीं पे भी डस्टबिन है उसको यूज़ करिए, कहीं आ रहे हो तो वहाँ पे गंदा मत फैलाइए। ये देखिए जी गुफा, ये अंदर में घुसना जा रहा है। ऐसे करके 14 छोटे बड़े गुफा यहाँ पे। तरफ जाते हैं जी, इस तरफ जो स्टेयर केस बना हुआ है, देखिए ये पुराना पूरा पहाड़ को काट के लोग बना है। ऊपर तक हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको व्यू ऊपर से कैसे दिख रहा है। जी यहाँ से कुछ नज़ारा देखिए भुवनेश्वर का, और एयरपोर्ट भी यहाँ से
क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है पूरा पूरा का पूरा सिटी का नज़ारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ऊपर तक भी हम जा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे प्लास्टिक का बोतल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब लोग लेके आते हैं पानी पीने के लिए यहीं पे फेंक के निकल जाते हैं। दिस इज़ नॉट राइट वे कि अगर आप कहीं पे आ रहे हो घूमने के लिए ये सब तो नहीं करना चाहिए। गर्मी बहुत है, आप कोई भी टाइम पे आ रहे हो पानी का बोतल मत भूलिएगा, पसीना छूट रहा है मतलब हालत ख़राब हो रहा है, बहुत गर्मी है। लेकिन थोड़ा टाइम बैठ के रेस्ट कर रहे हैं फिर जाएंगे आगे। नीचे तरफ कुछ गुम्फाएँ करके हैं और एक गुप्त गंगा करके मैं सुना था, तो वो भी देखने के लिए आया हूँ। उसको मैं पूरा आपको घुमाता हूँ दोनों तरफ। ये जो खंडगिरी है, मैं भी इसको खंडगिरी कहते हैं, और उस तरफ जो दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ जी, वो वाला जो दिख रहा है ना पहाड़, उसको आप उदयगिरी कहते हैं जी। तो कहते हैं कि इस तरफ ज़्यादा गुम्फाएँ नहीं हैं एज कम्पेयर टू उस वाला पहाड़, तो इसीलिए मैं भी इनका कोई चार्जेस नहीं चार्ज करते हैं ये वाला पहाड़ घूमने के लिए। तो खंडगिरी ये है कि उदयगिरी वो है, वो मैं कन्फ्यूज हूँ, कोई दिखेगा तो पूछ लूँगा। लेकिन ये वाला फ्री वाला जो एंट्री है मैं भी मुझे लगता है खंडगिरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं पे पढ़ा था कि यहाँ पे मैं भी 14 या 13 गुम्फाएँ यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी 18 गुम्फाएँ वो स्टीरियोटाइप के बना हुआ है ना वो उस तरफ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मेंटेन लग रहा है इसलिए वो लोग चार्ज ले रहे हैं। ये भी ठीक ठाक है मगर एज कम्पेयर टू वो वाला पहाड़ ये थोड़ा गंदा है, मतलब लोग ही गंदा करके रखें। बहुत सारा बोतल मैं आ रहा था नीचे से ऊपर, तो इतने सारा प्लास्टिक बोतल यहाँ पे पड़ा हुआ है ना मत पूछिए। अगर आप कोई भी आ रहे हो, आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आ रहे हो कोई भी बोतल कैरी करके लेके आ रहे हो, या तो आप खुद के साथ लेके जाइए या तो आपको नीचे ना बहुत बड़ा सा एक डस्टबिन दिखेगा वहाँ पर लेके फेंक दीजिए। इधर उधर फेंकने से प्रॉब्लम यही होता है, हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप प्लास्टिक बोतल यूज़ भी कर रहे हो इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इनसाइड ओडिशा आउट ऑफ ओडिशा इवन कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनको सही मैसेज नहीं जाएगा। वैसे तो उनको ऐसे ही लगेगा कि इन लोग उतना साफ़ सुथरा नहीं रखते, दिस इज़ नॉट राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहीं भी बोतल कैरी करके लेके आ रहे हो तो मस्ट कि आप खुद के साथ लेके चले जाइए, नहीं तो आप नीचे में लेके डस्टबिन है वहाँ पे फेंक सकते हो। ये एक मैसेज था जो मैं देना चाहता था। चलते हैं, ज़्यादा बैठेंगे तो लेट हो जाएगा। लो जी देखिए, कहते हैं कि इस तरफ ना सूर्योदय होता है, लेकिन क्लाउडी वेदर के चलते आज तो हमें सूर्योदय का दर्शन नहीं मिल पाया, कभी दोबारा आएंगे देखेंगे फिर कैसा दिखता है ये पूरा का पूरा जो व्यू। इस तरफ एक मंदिर है लेकिन अभी बंद है, वहाँ पे एक लोकल भाई खड़े थे, उनको पूछा तो वो बोले 9 बजे खुलता है। थोड़ा ऊपर वाला था मंदिर तो वहाँ पे व्यू थोड़ा अच्छा था, मगर खेत छोड़िए 9 बजे तक तो शायद मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। ये वाला जो रास्ता गया ना अंदर तक कहीं गया है जहाँ पे गुम्फा मिलती है, कोशिश तो करते हैं वहाँ पे जाने के लिए, पॉसिबल हो पाया तो फिर आपको दिखाते हैं कि गुप्त गंगा करके कुछ गुम्फाएँ हैं। डर इसीलिए लग रहा है कि कोई है नहीं मेरे साथ, अभी सुबह का वक्त है, पूरा का पूरा पहाड़ खाली है, कोई एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। वैसे आज तो संडे का दिन है, लोग तो आएंगे ही, मगर इतना सुबह कोई नहीं आ रहा है। जो भी आएंगे मैं भी 9-10 बजे तक आना शुरू हो जाएगा लोगों का यहाँ पे। लेकिन अभी कुछ नज़ारा देखिए भाई साहब, ये खाली वाला जगह मैं आ गया हूँ, ये पूरा का पूरा जंगल और पहाड़ के जंगल जो होता है उसके बीचों बीच रास्ता दो तरफ मिल रहा है मुझे, एक तो इस तरफ दूसरा उस तरफ, कहाँ जाएं, इस तरफ चलते हैं। पूरा ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे, डर तो लग रहा है मगर कोशिश करते हैं कुछ अच्छा दिख जाएगा।
ओम नमः शिवाय। ये वाला पहाड़ जो दिख रहा है ना भाई, बाप रे बहुत डीप जंगल है। रास्ता कहीं तो गया है, महादेव पूरा डीप जंगल भाई साहब, आपका सेफ्टी लेके आ सकते हो। श्रीफुलपुल जगह तो है मगर सेफ्टी फास्ट, पानी बोतल जरूर कैरी करके लाइए। ओम नमः शिवाय। कहीं तो जाके लेके जा रहा है मुझे ये वाला रास्ता। जिसे बात कर रहा था पता, यहाँ पे कुछ गुफा है शायद, वो रास्ता वहीं तक लेके जा रहा है। बने रहिए मेरे साथ पूरे के पूरे ये जर्नी को मजा लेने के लिए, मगर यहाँ पे मैं शायद रास्ता भूल रहा हूँ। विच वन द राइट वे, ये थोड़ा डीप जंगल दिख रहा है, इस तरफ चलते हैं फिर। अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, 4-5 तरह का रास्ता अभी मुझे दिख रहा है, पर व्हिच वन द राइट वे मुझे पता नहीं चल रहा। रास्ता 3-4 टाइप का दिख रहा है भाई, अगर कभी भी आ रहे हो मेरे हिसाब से एक लोकल गाइड या फिर कोई लोकल बंदा का उसको प्रीफर करके लाइए। मुझे अभी कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा रास्ता सही है, पसीना से तो हालत ख़राब हो रखा है और अभी मुझे कंफ्यूज ये हो रहा है कि भाई कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, बीच में मैं फंस गया हूँ। और उस तरफ से वैसे कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, पूरा का पूरा जंगल टाइप का बना हुआ है। ये जो भी रास्ता गया मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, ये वाला सही है या ये वाला जो नीचे रास्ता ले लूँ। और मैं नीचे वाला रास्ता लेके भी जाता हूँ उस तरफ, देखते हैं भाई, डर तो बहुत लग रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, हमें गुम्फा मिल गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वाला गुम्फा देखिए भाई साहब, फाइनली हमें गुम्फा मिल गई। सुबह सुबह इतना तकलीफ, मतलब आपके लिए लेके आए हम यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। आपको मैं गुम्फा दिखाता हूँ। कहते हैं कि उस तरफ जो गुफा है ना, ये है गुप्त गंगा। इस तरफ गंगा का जो पानी है इसके अंदर मिलता है, मतलब कहीं पे मैं सुना था, मेरे कोई दोस्त बोला। अभी अकेले हैं तो अंदर जाने के लिए डर लग रहा है, मतलब देखिए बहुत गहराई वाला ये गुफा है। ये ना जो रास्ते में आ रहा था नीचे वाला रास्ता सही था, ये पूरा गुफा तक वो रास्ता कनेक्ट है, इससे अंदर हम नहीं जाते, डर लग रहा है अकेले हैं। अकेले हूँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, गुफा का नज़ारा कुछ ऐसी है। अगर आप खंडगिरी आ रहे हो तो शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो गुफा है पूरा नीचे की तरफ है। ज़्यादातर लोग जो भी आते हैं ऊपर जो भी गुफा है वो देख के निकल जाते हैं, लेकिन ये वाला जो गुफा है ये आपको नीचे की तरफ मिलेगा। खंडगिरी वाला जो पहाड़ तो मैं कन्फर्म करूँगा किसे पूछ के, ये वाला खंडगिरी है कि उदयगिरी, पर ये नीचे तरफ मिलता है आपको, ऊपर तक वो वाला व्यू नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा।
ये रहा था आपका गुम्फा का कुछ नज़ारा। ये वाला खाली जगह आपको दिखेगा, इन पे आपका कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वाला रोड सही है टूवर्ड्स वो हिडन कैव तक जाने के लिए। इसी रोड में आप नीचे तक निकल जाओगे, नीचे तक जाने में भी और एक रोड आपको मिलेगा, वो सीधा वाला रोड में आप मत जाइएगा, नीचे वाला जो रोड दिखेगा वो नीचे जाएगा तो आपको गुम्फापुरा मिल जाएगा देखने के लिए। मैं जिस तरफ गया था ये है खंडगिरी, ये है उदयगिरी। इसका जो टिकट नहीं है ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। ये वाला टिकट है, ये क्यों है शायद ये वाला यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन करके रखे इसलिए टिकट ले रहे। यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन नहीं है, आपको बहुत सारा कूड़ा कूड़ा दिखेगा और मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा ये क्यों ऐसे है, इसको भी आप ख्याल रख के इसका भी टिकट आप ले सकते हो ना। जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाया शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप भुवनेश्वर में स्टे कर रहे हो तो यहाँ पे आप घूम के जा सकते हो। तो यही था कुछ हिस्सा किताब, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। आगे वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ।